अरे अरे पीछे भाई पीछे 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 सुनील पीछे पीछे जब बोल विशाल पीछे महारानी स्नेहलता क्या बात है महारानी क्या बात है अच्छा महारानी नाम है चलो मैं थोड़ा लाइट में पीछे जाओ चलो गाइस पीछे चलो बाहर बाहर नहीं नहीं अभी इधर करो चलो कोई पीछे नहीं हां ठीक है ना तो जल्दी आ गया देख के आज की वीडियो देखते हैं सब इधर ही राख आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी का जिन्होंने मुझको वो बाइक में करेंगे आप बाहर आइए पहले विजुअल्स कर लेते चलेगा यार बोलने तो कम से कम मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझको महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का ये सुनहरा मौका दिया पौरुष पुट्टू में जो जल्द आने वाला है ऑल्ट पर चलिए अब बाइट कर लेते क्या विजुअल 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 फर्स्ट एक विजुअल आप इधर दे दीजिए ना अच्छे भाई गाइस पीछे भाई इनवाइट चलो सब पीछे आ जाओ इधर आ लेने का पीछे आ जाओ सब लोग थोड़ा आगे पीछे होते रहिए चलो चलो बाहर आ जाओ विशाल चलेगा नहीं बारिश नहीं है बारिश नहीं है आप वहीं पे रहो थोड़ा धीरे धीरे चलो वॉक मिलेगा अच्छा आने वाला भाई मोबाइल पीछे ले आ जाइए बाहर आ जाइए डे लाइट में आ जाइए ये आ जाइए बारिश बंद हो गया आज ही बारिश बंद हो गया मौसम बहुत सुहाना है छाता जी दो भाई शलिन जी ये साइड आ जाइए आपको क्या बोलता है क्या बोल क्या हुआ अरे कुछ नहीं बताइए वो गलती से राखी बोल दिया कैमरा उधर रहा तैयार है कैमरा उधर रहा शर्लिन जी अरे रुको 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 भाई शर्लिन जी आप इधर आ जाइए ना ओपन में हाँ चलो और सब दूर से रहे बस 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 अब सब पीछे रहो सब दूर रहना बे मोबाइल से एक बार एक बार और एक बार अरे पहले बाइट अरे भाई रुको जरा यार विजय ले रहा है अमित ना रुको जरा मेरे को यही चाहिए अंदर अंदर का कुछ नहीं चाहिए बोल 30 सेकंड के अंदर लेफ्ट में देखो आप या सेंटर लुक नहीं सेंटर यहां पर ना देखो सेंटर 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 सामने ये है सब जगह जाना पौरुषपुर राज्य में हां हां राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं ये प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ औरत को दी जाती है पौरुषपुर राज्य के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म दे वो कहलाएगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी ठीक है तो अब देखना ये है कि पौरुषपुर राज्य में कौन किसके साथ क्या षड्यंत्र या साजिश रचता है राज गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए ये है पौरुषपुर की कहानी का मूल बिंदु शर्लिन जी अरे भाई पहले बाइट नहीं बाइट नहीं हो रहा यार बाइट करना बाद में एक
एकता मैम के लिए कुछ बोल दीजिए, एकता मैम कुछ जय हो। अरे अलग है उसका। एकता कपूर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पौरुषपुर 2 का चेहरा बनूं। क्या बात। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं एकता कपूर जी के साथ बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करती रहूँ, न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में। क्या बात है, क्या बात है। आई लव यू एकता कपूर जी। चल भाई ले आ, एक छोटा सा बैठ। अरे मतलब इंटरव्यू क्या थी, गलत समझ रहे हैं। क्या बोला मैडम? बोले मुझे खड़े खड़े पसंद है, मतलब बैठ के अच्छा इंटरव्यू होता है। तो हंस रहे नहीं, आपने बोला बैठे बैठे अच्छा होता है। मैं इंटरव्यू में बोल रहा था। सबको मालूम है इंटरव्यू है, लेकिन बहुत बहुत हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट है। बहुत जर्नलिस्ट हार्ड वर्किंग है। हार्ड कोर कितना हार्ड वर्किंग। Let's try. चलिए पानी दे दो। मेरा गला सूख रहा है। पानी मंगाइए। शर्लिन जी की मेरा गला सूख रहा है। पानी दो, पानी पानी। अरे कोई दो, शर्लिन जी को गला सूख गया उनका। जाओ जल्दी जाओ। ऑडियो चेक करिए इधर, ऑडियो चेक। हेलो हेलो। अरे तुम्हारा नहीं उधर जाएगा। झूठा है क्या? मैंने सोचा लीजिए। ये लो ये लो मैडम। आने दो, भाभी को बताता हूँ। देख जीवन शंकर भाई क्या है। आठ दे चैलेंज। कुछ कहना चाहोगे? ये व्यक्ति ने बोला कि दुला शिकाला है। अभी हमको भी सब्सक्राइब करना है। कितने चैनल है यार, आगे आने वाले राजा भाई। चलो स्टार्ट। करोड़ों रुपए चलिंग सबसे। वेट वेट वेट, ठीक है रोल गाइस। शलिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए। पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 1 में अगर कुछ आप बताना चाहोगे, पार्ट 2 में किस तरह का आपका किरदार होने वाला है और आपके लुक के बारे में। सेंटर लुक रहेगा मैम? हां सीधा देखिए ये इधर सामने। हां सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूं पौरुषपुर 2 में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं, ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए। तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए। yes. इस रानी का जो किरदार है वो कितना मिलन करता है आपके जो रियल किरदार है उससे? मैं कहूँगी 10/10, 100%। कैसे, किस किस वे में मिलन करता है? क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है। ये खुद को महारानी मानती है। हाँ, तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती है और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये है, कोई और नहीं। शैलिन, अगर आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार, लाइक बॉलीवुड में महारानी अगर आपको घोषित कर दिया, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो और काफ़ी लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो, बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे बॉलीवुड में? मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड में और हर उस सेक्टर में जहाँ पर नेपोटिज्म जिंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, मर जाए।
और उसके अलावा सेक्सिज्म भी खत्म हो जाए. लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं, चाह कर बनाएं. आमतौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं. तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. शर्लिन जी देख, अगर हम बात करें इन दिनों बिग बॉस की, तो आकांक्षा पुरी ने काफी हंगामा किया है, किस कर दिया बिग बॉस के शो में, और जिसको लेके काफी विवाद हुआ है देश में, काफी हंगामा हो रहा है आकांक्षा पुरी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा किस? एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा जो हम बिग बॉस देखते पारिवारिक शो देखते हैं, बट उनके जो होस्ट है उनकी फिल्मों में हमने आज तक नहीं देखा. एंड उनके ही घर में, वो कहते हैं कि उनका घर है और उनके घर पे ऐसी चीज़ होती है, तो किस तरह से आप देखते हो, क्या कुछ बदलाव आप उसमें भी लाना चाहोगे? आपको ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि सलमान खान, हाँ. इन्हें डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि शो में अगर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो एडिट भी हो सकता है. आप ये बताइए कि किस कैसा था? जिसने किया उसने बोला जो मतलब जो था, मतलब किस देख कर के आप उत्तेजित हुए? But it look nice in मतलब आकांक्षा जी ने nice. Enjoy. आपके रोंगटे खड़े हुए. बताइए ना, खुदी हुई तो खुदी खड़ा हुआ. But national television में आप खुद बोल रहे हैं कि आपको मजा आया. मजा नहीं आया, अच्छा लगा, अच्छा लगा. तो बस बात वहीं पर खत्म होती है, अच्छा लगा. तो आप सपोर्ट करते आपका हैं, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप हमेशा रोंगटे खड़े हुए इस सारी चीजों पे एक अलग राय रखते हैं अपनी. आपकी क्या राय है, ये गलत है, सही है, क्या बदलाव लाना चाहिए था, और आकांक्षा जी को अगर कुछ संदेश देना चाहे हमारे दर्शकों से, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उनको अगर कोई संदेश देना चाहो. देखिए, किस करना तो बुरी बात नहीं है, राइट? तो अगर आप किसी में माहिर हैं तो कृपया देश के आवाम को बताइए ना कि सही मायने से, मतलब सही तरह से किस कैसे किया जाता है. यानी ऐसे ऐसे नाक बीच में आती है ना, दिक्कत होती है लोगों को. लेकिन आकांक्षा ने सही तरह से नहीं किया. अच्छा, किस बात का दुख है आपको? नहीं तरह से नहीं किया. आप बताइए कैसे करते हैं, किसे? नहीं, वो स्टार है जो वो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ उनकी जो थे, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे, लेकिन ऐसा चीजें करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखो ना, एक टॉपिक खत्म कर. अरे और कुछ पूछ लो. अरे भाई 22 में क्या टॉपिक चल रहा है? हम बॉलीवुड और वेब सीरीज की बातें करते हैं, जो कि हम आपको देखे हैं बॉलीवुड में, आपकी मूवी आ चुकी है, आप बॉलीवुड में भी काम चुके हैं. इन दिनों आप OTT प्लेटफॉर्म पे अपने नए शो के साथ कमबैक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंट है, कुछ बताना चाहते हैं आप अपने फैंस को? डिफरेंट प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं. मुझे लगता है कि अब लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं रही और उतना समय नहीं रहा कि वो 3 घंटे की फिल्म देखें या 3.5 घंटे की फिल्म देखें, है कि नहीं? हम आमतौर पर फिल्में तब देखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, या हम ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास 10-15 मिनट या आधे घंटे का समय होता है, हमें तुरंत कुछ ना कुछ देखना होता है. तो क्या देखें, 3.5 घंटे की फिल्म कैसे देखें? तो हम एक एपिसोड देख सकते हैं किसी वेब सीरीज़ की. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ज़माना है वेब सीरीज़ का, ये हम सब के लिए बहुत ही
फायदेमंद है और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेब सीरीज बन रही हैं, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, दुनिया भर में, और लोग एंजॉय करते हैं आराम से अपने बेडरूम में लेटे लेटे, या यू नो ऑफिस में, या कहीं पर भी शॉपिंग मॉल में. तो बड़ा आसान होता है वेब सीरीज़ देखना या एक एक एपिसोड देखना, यू नो, जब जब हमारे पास समय हो. ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे निकालें और मजबूरी में वो फिल्म देखें. तो ये हम सब के लिए फायदेमंद. चलिन चलिन, आपने शिल्पा शिंदे को यहाँ पर रिप्लेस किया है. एयरपोर्ट के नाम भी आपने कल रात्रि शाम एयरपोर्ट पे ना काफी सारे पैसे लुटाए, मतलब पॉपुलर होने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए. राकेश सावंत ने कल एयरपोर्ट पे ना पैसे हाँ। लुटाए काफी साले पायलट के ऊपर, कैप्टन के ऊपर. अच्छा, मतलब असली वाले? असली वाले चेक किया आपने? हाँ, असली वाले वीडियो में तो असली वाले आ रहे हैं. चेक कीजिएगा पॉपुलर की पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए. तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं राखी की. चेक कीजिएगा. लेकिन शैलिन, अभी आप दोनों का बॉन्ड फिर से खराब हो चुका है. बीच में अच्छा हो गया था राखी के साथ जब इंसिडेंट हुआ था. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, मैं अब सीरियस हो गई हूँ और अब मुझे काम पर फोकस करना अच्छा लगता है. मेरे पास छोटा टाइम है नहीं. पर पैसे उड़ाना अच्छी बात है. पैसे उड़ाना अच्छी बात है. पैसे कहीं उड़ाना, कहीं उड़ाना नहीं. देखिए, लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए. तो लक्ष्मी जी को हम लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं. अब अगर कोई करेंसी नोट उड़ा रहा है या उड़ा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नकली होंगे. शर्लिन, आपने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया है इस सीरीज में, क्या कहना चाहूंगी? सीजन 2 में शिल्पा शिंदे नहीं है, बट वही किरदार में आप हो. मतलब सीजन 1 में वो लीड कर रही थी, आज इस सीजन में आप लीड कर रही. सीजन 2 में क्या कहना चाहूंगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है. अब हो सकता है कि सीजन 3 में कोई और इस सीरीज का चेहरा बने. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है. उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है. बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जीती हैं, तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल, तो कितना डिफरेंट रहा एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना, या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था. वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है, वो काफ़ी मुश्किल नहीं था. अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में. तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं, कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए. तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा. ओ हो, महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं, कक्ष बोलेगी. एक तो आखिरी सवाल है आपसे शर्लिन जी, मेरे तरफ से, कि हाल ही में दो बड़े एक्टर थे जैसे कि आयशा और नीलम, पर उनका जो शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और स्टार ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम करेंगे एज अ कलाकार, आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने भाई.